हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल ऑफ बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। आप सबको पता है कि हम लोग आजकल सर्कुलेटरी सिस्टम वाले टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं और ये वीडियो सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है हमारे क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईसीजी के बारे में। तो व्हाट इज ईसीजी, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, और व्हाट इज द वे ऑफ डिटेक्शन ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट, हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग ह्यूमन हार्ट की बात करें तो वहां पे एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है, ए स्पेशलाइज्ड एरिया इज देयर। और उस स्पेशलाइज्ड एरिया किसका होता है, ऑफ कार्डियक मसल्स। स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ कार्डियक मसल्स, या आप ऐसा कह सकते हैं कार्डियक मसल फाइबर्स आर कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, साइनो एट्रियल नोड, या इसको हम लोग शॉर्टकट में एसए नोड भी बोल देते, साइनो एट्रियल नोड। और ये कहां पर होगा, इन एसए नोड कहां पर होगा स्टूडेंट्स, राइट एट्रियम। आपको पता होना चाहिए हमारे ह्यूमन हार्ट में चार चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो एसए नोड है ये कहां पर होगा, राइट एट्रियम में होगा। और एसए नोड को पेस मेकर भी बोल देते हैं हम लोग, दिस नोड इज कॉल्ड पेस मेकर स्टूडेंट्स। और ये क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिक कार्डियक इम्पल्स, आप बोल सकते हैं इट विल जनरेट कार्डियक इम्पल्सेस इन ईच वे। ओके, और स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो हर एक हार्ट बीट या कार्डियक इम्पल्स ओरिजिनेट होगा और स्प्रेड होगा एज अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द हार्ट। और ये जो इलेक्ट्रिक चेंजेस होते हैं स्वीप्स कर जाते हैं अक्रॉस द चैम्बर्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। और ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ईसीजी नाउ, सो दीज इलेक्ट्रिक चेंजेस कौन से इलेक्ट्रिक चेंजेस स्टूडेंट, जो कि हार्ट चैम्बर्स में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जा रहे हैं, दीज इलेक्ट्रिक चेंजेस कैन बी रिकॉर्डेड, इनको रिकॉर्ड किया जाएगा बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज, इंस्ट्रूमेंट को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। कार्डियो मीन्स हार्ट से रिलेशन है इसका, और ग्राफ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, जहां पे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपको नेम से लग रहा होगा कि ग्राफ ऐसा कुछ रिपोर्ट टाइप होगा, कुछ पेपर पे होगा, ऐसा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे, और जो उसका ग्राफिकल रिकॉर्ड जो इन हार्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग बोल देते हैं, जो ग्राफिकल रिकॉर्ड होगा, जो हमारा प्रिंटेड पेपर पे जो उसका ग्राफिकल रिकॉर्ड आएगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसको हम लोग बोल देंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और अगर हम बात करें ईसीजी को यूज करते हैं ज्यादातर डॉक्टर्स किस लिए यूज करते हैं, जस्ट टू डिटरमाइन द लोकेशन, और डैमेज कितना हुआ है, किस एक्सटेंट तक हुआ है, किस लोकेशन पे डैमेज हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर हार्ट अटैक से डैमेज हो रहा है तो किस लोकेशन पे हुआ है और किस हद तक वो डैमेज हुआ है पर्टिकुलर पार्ट। और हम उसके बाद एक्सेस करते हैं उसकी, कैसे हम रिकवरी कर सकते हैं। तो अगर कभी भी हार्ट में कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, जो भी हमारा ईसीजी पैटर्न में जो भी चेंजेस आ रहे हैं। कुछ एक नॉर्मल ईसीजी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ में बना देती हूँ, ये आप इस तरीके का देख सकते हैं, ये नीचे आएगा देन ये ऊपर आएगा इस तरीके से। ये जो नॉर्मल होगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पी, दिस पॉइंट, एंड दिस इज आर, दिस इज क्यू, दिस इज टी, एंड अगेन दिस विल बी P, R, then Q, then T, and then P. इस तरह से कुछ नॉर्मल ईसीजी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशंस होती है, आप देखते हैं कभी कभी यही ईसीजी की रेज बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, कभी कभी पैटर्न हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं हार्ट में, तो उसका ईसीजी पैटर्न अलग होता है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपको क्लास 10th लेवल पे क्या इस चीजें पॉइंट आउट करनी, याद रखनी है, एक तो मैंने आपको ऐसे नोड के बारे में बताया जिसको कि एज अ पेस मेकर हम लोग काम करते हैं,
जो एक इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट्स, उसको हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफिकल रिकॉर्ड है, जो रिपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो हाइलाइटेड पॉइंट्स स्टूडेंट्स मैंने हाईलाइट किए, यही पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको बहुत मदद करेगा आपकी स्टडीज में, और आपको फर्दर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में भी हेल्पफुल होगा, और आपकी इन्फॉर्मेशन को भी अपग्रेड करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि हम लोग बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और इसी तरह आप अपना सपोर्ट मुझे करते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आप उनकी भी नॉलेज में अपडेट कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि विद्या जो है जितना बांटते हैं उतना ही और ज्यादा अपग्रेड होती है। तो आप जितना ज्यादा हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको अपने नॉलेज को अपग्रेड कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कंटिन्यूअस लिसनिंग एंड सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।